तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरो के प्रेडिक्शन। गाइस कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2023 के 13 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है नेलाई रॉयल किंग्स और सलीमा स्पार्टन्स के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 22 जून को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:15 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी NPR कॉलेज ग्राउंड दिंडीगुल इंडिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों के द्वारा परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो पहली टीम नेलाई रॉयल किंग्स की बात की जाए तो जहां 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही है, तो वहीं 2 मैच जीत के आ रही है। अगर वहीं दूसरी टीम अगर सलीमा स्पार्टन्स की बात की जाए तो सलीमा स्पार्टन्स 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही है, तो वहीं 2 मैच जीत के आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर दोनों इक्वली फॉर्म से दोनों टीम आगे बढ़ रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 3 मैचेस में, तो जहाँ पे नेलाई रॉयल किंग्स 3 मैच जीत के आ रही है, तो सलीमा स्पार्टन्स 1 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे नेलाई रॉयल किंग्स 2 मैच से आगे चल रही है। तो ये रहे हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ज्यादा देर न करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 3 मैचेस में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो जहाँ पे नेलाई रॉयल किंग्स का 60% देखने को मिल रहा है, तो सलीमा स्पार्टन्स का 30% देखने को मिल रहा है। अगर एवरेज स्कोर की बात की जाए तो जहाँ पे नेलाई रॉयल किंग्स का 165 है, तो सलीमा स्पार्टन्स का 130 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो नेलाई रॉयल किंग्स का 236 है, तो सलीमा स्पार्टन्स का 165 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो नेलाई रॉयल किंग्स का 121 है, तो सलीमा स्पार्टन्स का 87 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे कंपेरिजन के मामले में भी नेलाई रॉयल किंग्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज का मैच वेदर कैसे रहेगी, तो मौसम में थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है, मौसम में थोड़े से बादल भी हो सकते हैं। वहीं अगर सेल्सियस की बात की जाए तो 28.2 डिग्री सेल्सियस रहने वाली है। अगर ह्यूमिडिटी देखें तो 63% रहेंगे, वहीं 56% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच का वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पर कैसा होने वाला है। इस पिच पर अभी तक टोटल 60 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी जबरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बॉलिंग करती है, तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकते हैं। क्योंकि इस पिच पर अभी तक जितने भी मैच देखे गए हैं रिसेंटली में, जितने भी मैच हुए हैं, अधिकतर मैच टीम टॉस जीत के बॉलिंग चूज कर रही है और मैच जीत रही है। तो टीम के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकती है कि टॉस जीत के बॉलिंग चूज करे। अगर इस पिच पे देखें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर इस पिच पे 151-55 रन जा सकते हैं। अगर वहीं सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में भी उतना ही रन जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे मैच हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये भी मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला हो। बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस देखते हैं। तो पहली टीम नेलाई रॉयल किंग्स की बात करें तो नो डाउट अच्छी टीम है, बट यहाँ पे नेलाई रॉयल किंग्स की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो थोड़ी सी बॉलिंग सुधारने की ज़रूरत है। अगर पिछली मैच की बात करें तो पिछला मैच अपना हार के आ रही है, उससे अगर पिछले 2 मैच की बात करें तो पिछला 2 मैच अपना जीत के आ रही है। अगर वहीं दूसरी टीम सलीमा स्पार्टन्स की बात करें, नो डाउट ये भी टीम काफ़ी अच्छा है, पिछला मैच अपना टीम जीत के आ रही है। तो दोनों के बीच में ये भी मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी जबरदस्त होगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड एक विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वही बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम नेलाई रॉयल किंग्स के की प्लेयर की बात करें तो अरुण कार्तिक, सोनू यादव, संदीप वॉरियर, निधीश राजा गोपाल। वहीं दूसरी टीम सलीमा स्पार्टन्स की प्लेयर की बात करें तो कौशिक गांधी, मान बापना, अभिषेक तनवर, सन्नी सांधू। तो ये रहे दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए नेलाई रॉयल किंग्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है अपने वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहे हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।